अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। और मुझे लगता है कि दादाजी, माँ, बाबूजी और भैया सब एक समस्या में घिरे हुए हैं, और उसका एक ही हल है। क्या हल है? यही कि हर कोई तर्क से सोचे और वैज्ञानिक तरीके से सोचे, और जब जय विज्ञान होगा तो हमारे जैसे लोग हारेंगे नहीं। अटल सही कह रहा है। हाँ, अटल सही कह रहा है। हाँ, अटल सही कह रहा है। इस पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विज्ञान के सहारे पुरानी मान्यताओं से आगे बढ़ जाए। हमें वैज्ञानिक सोच के आधार पर चीजों की नई व्याख्या करनी चाहिए, जिससे हमारी पुरानी रूढ़िवादी सोच खत्म हो सके और समाज में नई सोच पैदा हो सके। अटल, तुमने बढ़ना और घटना शुरू किया है, इसलिए मैं खुश हूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो रहा है आपके साथ भैया? बस अचानक से नाचने के ऐसे झटके से आते रहते हैं। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ये देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर की कोई नचनिया बाहर निकलना चाह रही है? अरे नहीं 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 है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, हम तिवारी ही है। बस अचानक से ऐसा कुछ होता है। तो ये भी तो हो सकता है ना भैया कि आपके शरीर का कोई मसल या कोई नर्व जो है वो खिंच गया हो और इस वजह से आपको ये झटके आ रहे हो। यार आप डॉक्टर बनने की कोशिश काय कर रहे हैं? टिल्लू और टीका ने हमें बताया कि आप लोगों के स्मृतियों में घुसकर उसके विषय में सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो हमारी स्मृतियों में ही जाइए। ठीक है भैया, ठीक है, मैं जाता हूँ, आपकी याददाश्त में घुसता हूँ मैं। पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी हरकत करूँ आपको नजरअंदाज करना है। आप मुझे बिल्कुल भी टोकेंगे नहीं। हाँ। ठीक है, और मुझे आपकी नंगी आंखें चाहिए। चश्मा उतारिए। मुझे देखते रहिएगा। I like it. भैया मैं आपकी पूरी याददाश्त की यात्रा करके लौटा हूं। हाँ तो कुछ नजर आया आपको?
भैया, मैंने आपकी पूरी स्मृतियों की यात्रा की है। आपकी स्मृतियाँ बड़ी खराब रही हैं भैया। आप अपनी पास्ट लाइफ में बड़े छिछोरे किस्म के इंसान रहे हैं भैया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी याददाश्त कह रही है भैया। जब आप कुंवारे थे ना, तब लोगों ने आपका नाम रख दिया था सांड। और वो इसलिए क्योंकि आप हर औरत को सांड की नजर से देखते थे। और इसी चक्कर में एक बार आपको गांव से बाहर भी निकाल दिया था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे वाह, का बात है अरे दादा। देख रही रज्जू? हाँ। हमारी बिटिया के समय की कितनी पक्की है, टाइम से तैयार हो गई। हाँ। तुम पे बिल्कुल ना गई। अरे ना ना रज्जू, ऐसी बात नहीं है, हम भी टाइम टेबल के बड़े पाबंद आदमी हैं। वो बात अलग है कि ससुर थाने पहुंचते पहुंचते हमेशा हमें देर हो जाती है। आज भी टाइम लग जाएगा, बाप को तो निकल जल्दी, चल। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आज तो कितनों बड़ों दिन है, बाप बेटी साथ में स्कूटर पर थाने जाएंगे। नहीं, बाप को तो निकल आराम से, मेरी तो आती होगी गाड़ी भी। अब हमें बुरू लग गऊ, पागल है का? जब एक ही थाने जाने हैं तो अच्छा लगे को बाप स्कूटर से जाएगा, बिटिया टैक्सी बुला रही। तूने टैक्सी काहे बुलाई? टैक्सी ना है, फिर सरकारी गाड़ी है। आती होगी अभी लेने के लिए, थोड़ी बहुत देर में, तू निकल जब तक आराम से। सरकारी गाड़ी आ रही? दही शक्कर खिलाओ, आज तो बाप बेटी सरकारी गाड़ी में जाएंगे। नहीं नहीं बापू, एक दिक्कत है छोटी सी। आपका दिक्कत? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है कि तू मेरे साथ सरकारी गाड़ी में ना जा सकता। नहीं मतलब जो सरकारी गाड़ी आएगी बा में, हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे, हमें कांटे लगे। नहीं नहीं बापू, गलत ले रहा, तो ऐसी बात ना है, बात ये है मतलब कि अभी तू सरकारी गाड़ी में बैठने के लिए अलाउड ना है ना, वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है यो तो। देख रही रज्जू? हाँ, जच रही है वर्दी में। अरे ऐसे देख रही, बाप के सामने प्रोटोकॉल बता रही है आज, हमें ज्ञान दे रही है, हमें कानून सिखा रही है, नियम कायदे बता रही है। हम चारों जय में जाएंगे, सरकारी गाड़ी में जा जाएगी, बाप के साथ बैठने में शर्म आ रही है, कहे जो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बोलो जाने। हाँ फिजूल में भावुक हो रहे दरोगा जी, बाप को तो भी गलत लेके जा रहा। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है और पूरे इलाके की ACP हूँ मैं, अब यहाँ मैं ये खुद प्रोटोकॉल ना फॉलो करने की तो कितना बेकार लगेगा, तू ही बता। अब हमें बुरू लग गो, अब तू जा अपनी सरकारी गाड़ी में जा, तेरो बाप यही खटारा में जाएगो। बापू अब तू जा रहा है सेंटी सा हो रहा, तुझे कोई पैदल थोड़ी जाना, स्कूटर पे जाना। सब रंग देख ले हमने, सब रंग देख ले। मम्मी क्या है यो, तुम ध्यान नहीं दो। दरोगा जी यो नहीं, मुसीबत है फालतू में। मलाइका नाउ चेक दिस इज साइनिंग और नॉट। बढ़िया एकदम, कल से तेरा यो काम पक्का। चल कव्वे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।